So hello everyone, today we will discuss about exception handling in Python. Before discussing exception handling, we first must know about what are errors, why we need exception handling, क्या ज़रूरत है हमें exception handling की. Okay, so some contents which I will cover in this session are types of errors, exceptions, exception handling and so on. So first of all, errors and exceptions are handled efficiently. Exception handling के लिए हमें यहाँ पर तीन block use करने हैं, that is try. Previously we will use catch, but now in Python catch use नहीं होगा, except use होगा. And finally block same जैसे previously use होता था और languages में, यहाँ भी same use होगा. So हमारे पास basically three types of errors हैं. There are three types of errors. First is syntax error. So syntax errors are errors generated during the parsing. So they are also called as parsing errors. Syntax error का मतलब कुछ भी आपने गलत लिख दिया, like कोई line miss कर दी, comma miss कर दिया, तो that is your syntax error. Then logical error. This error do not interrupt the execution of the program, but they are responsible for getting unwanted result. That means कि आपने जो logic बनाया था, suppose आप दो numbers को add करना चाहते थे, but add की जगह multiply हो रहा है, that means अब वो result तो देगा लेकिन correct नहीं होगा. Correct means जो आप चाहते थे, आप output चाहते थे, वो display नहीं होगी. It is called logical error. So fixing logical errors has been found to be difficult. थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हमारा logic ही बिल्कुल change हो जाएगा, कहाँ मैंने multiply करना था और मैंने add का result आ गया मेरे पास. ठीक है, next यहाँ पे एक और होता है हमारे पास, that is exception. So exceptions are the errors generated during the run time. ये run time program, जब हम program चलाते हैं उस time पे जो error आती है, जैसे suppose आपने डिवाइड का प्रोग्राम करना था, दो नंबर्स को डिवीजन करना था, आप सपोज जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो दे दिया, तो अगर समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो विल रिजल्ट इन इनफिनिटी, सो उसमें एक्सेप्शन आना, एरर आना. तो एक्सेप्शन के लिए जैसे 15 डिवाइडेड बाय ज़ीरो दे दिया मैंने यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा, मुझे ये रन टाइम पे एरर देगा क्योंकि लॉजिक भी ठीक लिखा है मैंने, सिंटेक्स भी ठीक लिखा है, बट जब यूज़र इसको चलाने लगा तो उसने जो इनपुट थी वही गलत दे दी. ठीक है, तो उस केस में क्या होती है, एक्सेप्शन होती है. सो अब नेक्स्ट है, एक्सेप्शन है क्या हमारे पास, व्हाट इज़ एक्सेप्शन. एक्सेप्शन व्हेन राइटिंग अ प्रोग्राम वी मोर ओफन देन नॉट विल इनकाउंटर एरर्स. एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैंने प्रोग्राम बनाया, आपको एक डिवीजन का मैंने एग्जाम्पल दिया कि 15 डिवाइडेड बाई ज़ीरो निकालना है, अब उसका लॉजिक तो मैंने ठीक लिखा था, ठीक है, बट जब चलाया उसका तो यूज़र ने क्या किया, इनपुट ही गलत दे दी, तो उस केस में एरर ना आए, मैं चाहती हूँ मुझे एरर ना मिले, क्या हो, कुछ ना कुछ एक रिज़ल्ट मिल जाए, जैसे मैं क्या करूँ, एक एक्सेप्शन बना दूँ कि अगर उस प्रोग्राम में एरर आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है. ठीक है, सो हैंडल करने के लिए एरर्स कैन ऑल्सो अक्कर इन रन टाइम, इनको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं. कई तरह की एरर्स हो सकती है, जैसे जो मैं बार बार अभी डिवीजन का बोल रही हूँ, दैट इज़ योर डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो, तो ज़ीरो डिवीजन एरर इसका जो नाम है. सपोज़ आप कोई ऐसी फ़ाइल ओपन करना चाहते हो, जो हमने लास्ट सेशन में फाइल्स का सेशन पढ़ा था, फाइल्स का कंसेप्ट पढ़ा था, कोई ऐसी फ़ाइल जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, सो फाइल नॉट फाउंड एरर, उस केस में वो हम यूज़ करेंगे. सो इनको अब एक्सेप्शन को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. देखते हैं, देखो ये एक एग्जांपल दिया कि अगर किसी नंबर को आप ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हो, ए फाइव है, बी ज़ीरो, डिवाइड किया तो उसने एरर दे दी, और यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है ज़ीरो डिवीजन एरर, दैट मीन्स डिवीजन बाय ज़ीरो. अब मैं चाहती हूँ इस प्रोग्राम में ये ना आए ज़ीरो डिवीजन एरर, मतलब मुझे रिज़ल्ट चाहिए, तो रिज़ल्ट कैसे, सपोज़ अब यहाँ पर ज़ीरो डिवीजन एरर है, उसको कैसे हैंडल करो. आप कहते हो कि अगर कुछ भी ऐसा है, डिनोमिनेटर को यूज़र ज़ीरो दे रहा है, उसको हम एक मैसेज डिस्प्ले करा दें कि आपने इनपुट जो है प्रॉपर नहीं डाली, या कुछ भी ऐसा डाल दें. तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग. एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली क्या है, टू हैंडल एक्सेप्शंस एंड टू कॉल
code when an exception occurs. We can use a try except statement. मैंने बताया यहाँ पर इन पाइथन हम try catch नहीं यूज़ करेंगे, try except यूज़ करेंगे. try block वो पार्ट होगा जिसमें exception आ सकती है, that means जिसमें आपको लगता है error आ सकती है. except block वो पार्ट होगा जो उस कोड को execute करेगा अगर error वहाँ पे आ जाती है. ठीक है, so if no error occurs the code in except block does not execute. जब एरर ही नहीं आएगी तो फिर एग्जीक्यूट करवाने की क्या ज़रूरत है एक्सेप्ट ब्लॉक को. एक्सेप्ट ब्लॉक तो हम इसीलिए बना रहे हैं कि अगर प्रोग्राम में एरर आती है तो मुझे उसको हैंडल कैसे करना है, उसके लिए हम यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक बनाते हैं. नेक्स्ट, ये एक प्रोग्राम बनाया है मैंने, देखो सिंपल सा सिंटेक्स है, डिवीजन परफॉर्म कर रहा है लेकिन इस बार अब एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया है. ट्राई में मैंने वो पार्ट डाला है जहाँ मुझे लग रहा था प्रॉब्लम आ सकती है. अगर प्रॉब्लम आएगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक में मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट एक्सेप्शन हैंडल्ड, और लास्ट में एक स्टेटमेंट प्रिंट कराई है, प्रिंट एड ऑफ प्रोग्राम. सो अब इसमें जब दो नंबर्स वो रीड करेगा और सपोज उसको कुछ प्रॉब्लम मिलती है सो प्रिंट में एक्सेप्शन हैंडल्ड आएगा लिखा हुआ, क्योंकि अगर डिवीजन ज़ीरो से करोगे तो उस केस में एक्सेप्शन हैंडल्ड ये डिस्प्ले होगा, रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट तो वैसे भी नहीं होना तो उसने एरर ही देना है. ठीक है, सो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है एक्सेप्शन हैंडलिंग के ब्लॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए. वन इज़ योर ट्राई, सो ट्राई ब्लॉक क्या कर रहा है, जहाँ पे एरर आपको लगता है कि आ सकती है वो आपने ट्राई ब्लॉक में डाल दिया. एक्सेप्ट ब्लॉक इसलिए लगाया है कि एक ही प्रोग्राम में इसमें अगर एरर आती है तो यहाँ चला जाए. एक चीज़ और, एक प्रोग्राम में मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि ट्राई में अगर एरर मल्टीपल स्टेटमेंट्स में भी तो आ सकता है. सपोज एक डिवीजन बाय ज़ीरो है, कोई लगता है फाइल नोट फाउंड नहीं है, तो एक से ज़्यादा एक्सेप्ट यहाँ पे आप लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, नेस्टेड ट्राई ब्लॉक. अगर आपने ट्राई भी नेस्टेड लगाना है कि पहले इस कोड को चलाओ, अगर ये ठीक चलता है तब नेक्स्ट ट्राई में जाओ, अगर इसका जो ये एक्सेप्ट है और ये इसका एक्सेप्ट है तो ये भी चला सकते हैं आप. ठीक है, सो नेस्टेड ट्राई ब्लॉक भी यहाँ पर वर्किंग है, काम करेगा, ऐसा नहीं होगा ये काम नहीं करेगा. ठीक है, मैंने किया क्या है, ट्राई में ट्राई यूज़ कर दिया तो नेस्टेड एक के विद इन एक, तो ये चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल है. दो नंबर्स आप इनपुट कराएं, ट्राई में वो आपने डिवीजन कराया, अगर आपको लगता है डिवीजन बाय ज़ीरो एरर है तो प्रिंट करा दो. अभी नेक्स्ट प्रोग्राम्स में हम देखेंगे कि जो मैं ऑब्जेक्ट बनाने की बात बोल रही थी एक्सेप्शन की, वो भी बनाएंगे. अभी तो एक्सेप्ट में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं कि अगर ट्राई में एरर आती है तो एक एक्सेप्ट से क्या हो, एरर मैसेज आ जाए. बट अगर मुझे पता ही है कि कौन सी एरर आनी है तो हम उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे, जैसे डिवाइड बाय ज़ीरो या वैल्यू एरर, आपको लगता है कि आपने वैल्यू गलत प्रोवाइड कर दी. ओके, सो नेक्स्ट, ये ट्राई एक्सेप्ट इसका था और ये ट्राई एक्सेप्ट नेक्स्ट है. ये जो लास्ट में प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है ये आपकी चॉइस, अगर लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो नहीं लगाओ. ठीक है, क्योंकि ये प्रिंट लिखा है तो एग्जीक्यूट होगा ही, चाहे एरर आता है चाहे नहीं आता. ठीक, नेक्स्ट, अब एक प्रोग्राम देखो बनाया है यहाँ पे, क्या किया है इसने, प्रोग्राम टू नो द टाइप ऑफ एक्सेप्शन. अगर आपको उसकी टाइप को पता करना है कि उसकी टाइप कौन सी है, टाइप मतलब जैसे मैंने बताया कि एक्सेप्शन जो है डिवाइड बाय ज़ीरो है या फाइल नॉट फाउंड है, एरे आउट ऑफ रेंज है, तो उसकी टाइप पता करने के लिए ये हमारे पास होता है sys डॉट exe underscore info. इसका जो ज़ीरो पैरामीटर है इसमें अगर आप बनाते हो तो इससे वो क्या होगा, अगर कुछ भी एरर आती है तो यहाँ पे वो जो फाइल की टाइप है, एक्सेप्शन की जो टाइप है वो डिस्प्ले करेगा. ये प्रोग्राम्स जो हैं एज इट इज़ रन हो जाएंगे क्योंकि मैंने बना के इनके स्क्रीन शॉट्स यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं. ठीक है, सो एज इट इज़ आप इसको रन कर सकते हैं सेम पर करके, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम में मुझे चाहिए वो सिस मॉड्यूल से निकाल रहे हैं. तो आपने देखा यहाँ मैंने इसको मॉड्यूल को इम्पोर्ट भी किया. ठीक है, बिना इसके ये प्रोग्राम रन नहीं होगा. नेक्स्ट, अब ट्राई स्टेटमेंट कैन हैव मल्टीपल. अभी हमने बात की कि एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल ट्राई एक्सेप्ट हो सकते थे. अब सपोज ट्राई तो एक ही है लेकिन मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये है. सपोज इन्होंने क्या किया, यहाँ पर मैंने देखो खुनाया प्रोग्राम. ट्राई ब्लॉक में मैंने जो मुझे लग रहा था कोड जिसमें एरर आ सकती है, मेन पार्ट ये चीज़ बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पे कि एक्सेप्ट
एक तो दिया है वैल्यू एरर। अब देखो इस प्रोग्राम में मैंने दो चीज़ें नहीं बताई है, इसकी ज़रूरत नहीं थी ऐसे, इसकी बाय मिस्टेक लिखा गया मेरे से। सो एक वैल्यू एरर बताया है, मैंने बताया था डायरेक्ट हम नाम भी लिख सकते हैं कि अगर मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम है। वैल्यू एरर बेसिकली किस लिए यूज़ की जाती है, अगर आपको जो इनपुट है वो देनी थी न्यूमेरिक बट आप कैरेक्टर स्ट्रिंग कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हो, दैट मीन्स वो इनवैलिड इनपुट हो गई, तो उस केस में ये वैल्यू एरर रन हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर किसी, अब जीरो डिवीजन एरर मतलब जीरो से डिवीजन नहीं कर सकते, तो उस केस में ये प्रोग्राम जो ये वाला पार्ट है एक्सेप्ट का, ये हैंडल हो जाएगा। ठीक है, सो जो एरर्स अगर आपको पता है कि इस प्रोग्राम में कौन सी एरर आ सकती है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यही वाला पार्ट यही यूज़ करना चाहिए कि नाम तो पता है मुझे, वैल्यू एरर आनी है कि वैल्यू की प्रॉब्लम आ सकती है, या मुझे लगता है कि कोई पर्सन उसको ज़ीरो से डिवाइड कर सकता है वो प्रॉब्लम आ सकती है, तो मुझे ये वाली चीज़ यूज़ करनी चाहिए उस केस में। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ योर, इसमें मैंने यही प्रोग्राम मल्टीपल एक्सेप्ट कैच इसलिए लिखा है क्योंकि प्रीवियसली हम लोग इसको कैच यूज़ करते थे। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे कैच लिख दिया। तो अब पिछले प्रोग्राम में दो मैंने बताई थी, वैल्यू एरर और ज़ीरो डिवीजन एरर, यहाँ एक और ले लिया टाइप एरर, कि अगर कोई टाइप की प्रॉब्लम है, कुछ आप टाइप ही गलत देने लगे हो प्रोग्राम की, तो उस केस में भी यहाँ पे ये पर्टिकुलर ब्लॉक को उठाएगा, इस एक्सेप्ट को उठाएगा और चला देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हुआ, मल्टीपल एक्सेप्शन कैन ऑल्सो बी पुट इन टू अ सिंगल एक्सेप्ट, एक से ज़्यादा एक्सेप्शन को हम एक एक्सेप्ट में लगा सकते हैं, एक ब्लॉक में लगा सकते हैं यूजिंग पैरेंथेसिस टू हैव द एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल ऑल द टाइम। मल्टीपल एक्सेप्ट यूज़ नहीं करने आपने, आप चाहते हैं कि जितनी भी एक्सेप्शन है एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक में लगा दो, तो वो काम भी कर सकते हैं, जैसे कुछ यहाँ पे किया है। ठीक है, या क्या कर रहा है इस प्रोग्राम में, मल्टीपल एक्सेप्शन टाइप्स यूज़ की है एक सिंगल ब्लॉक में। देखो ये जो टाइप एरर दिया ना, ये इसी वजह से दिया है, तो ये कई तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेगा। अगर इनवैलिड इनपुट टाइप है तो उसको भी हैंडल कर लेगा, टाइप एरर है तो उसको भी हैंडल कर लेगा। तो ये मीनिंग था मल्टीपल एक्सेप्शन टाइप्स इन अ सिंगल ब्लॉक, ये जो है वैल्यू एरर और टाइप एरर, इसी ब्लॉक में ये दोनों चीज़ें हैंडल कर रहा है, दैट इज़ योर वैल्यू एरर एंड सेकेंड वन इज़ योर टाइप एरर। और एक हमने एक्सेप्ट बनाया है जिसमें जीरो डिवीजन एरर जो बना रहा है। ठीक है, सो वो ये है, लास्ट की जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये तो प्रिंट होगी क्योंकि एंड में आपने की है। ठीक है, बाकी तो सारा कोड सेम ही चल रहा है, सिंपली यहाँ ये वाला पार्ट जो मुझे बताना था कि अगर एक एक्सेप्ट के साथ आप मल्टीपल एक्सेप्शन टाइप्स बताना चाहते हो सिंगल ब्लॉक में, तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाला ब्लॉक है। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या किया है, अगर मुझे फंक्शन की हेल्प से यूज़ करना है, जैसे अभी तो हमने ट्राई कैच छोटा छोटा कोड था ट्राई में डाल दिया और एक्सेप्ट यूज़ कर दिया, कैच नहीं यूज़ होगा यहाँ पर, आप चाहते हैं यही वाला पार्ट जो है सारा का सारा विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस यूज़ करना चाहते हो, तो एक प्रोग्राम जो है विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस मैंने बनाया है यहाँ पे। फंक्शन की हेल्प से क्या होगा कि एक फंक्शन अलग से बना हुआ है ट्राई ब्लॉक में, देखो यहाँ इसको जब आपने कॉल किया है, कॉलिंग करके काम वही चलने वाला है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुझे अब इस पर ट्राई और एक्सेप्ट यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे प्रोग्राम में एरर आ सकता है और इस एरर को मुझे हैंडल करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, बाकी सारा कोड सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं किया, यहाँ भी डिवीजन ही हो रही है, बस फ़र्क इतना है यहाँ विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग को कैसे यूज़ किया है वो चीज़ डिस्कस की है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस हमने यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, कि एक फंक्शन बनाया उसी फंक्शन को यहाँ कॉल किया, देन वैल्यू आएगी, अगर एरर होता है तो वैल्यू एरर बताएगा कि अगर वैल्यू आपने गलत दे दी, सपोज 1 2 3 नंबर्स देने थे लेकिन आपने कुछ भी ABC दे दिया, या अगर ज़ीरो डिवीजन एरर है तो वो बता देगा कि डिवाइड बाय ज़ीरो एरर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ योर रेजिंग एक्सेप्शंस।